हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। आज आपकी क्लास 6 की बुक द पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 3 द शेफर्ड ट्रेजर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। द शेफर्ड का मतलब होता है जो भेड़ बकरियों या जानवरों का ध्यान रखता है, और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। सो आज हम शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी ईरान के एक विलेज की है, जहाँ पे एक गरीब शेफर्ड जो होता है गवाला वो रहता होता है। वो बहुत ज्यादा गरीब होता है, उसके पास तो रहने के लिए एक घर भी नहीं होता है। उस समय वो ना तो स्कूल गया होता है, ना उसको पढ़ना आता होता है और ना उसको लिखना आता होता है, बट वो बहुत ज्यादा समझदार और बहुत वाइज पर्सन होता है। एक क्वालिटी होती है कि वो जो दूसरे लोगों की बहुत मदद करता होता है, वो उनकी तकलीफ समझता होता है। उसके पास बहुत लोग आते होते हैं अपनी मदद मांगने के लिए, वो सबकी मदद करता है अपने कॉमन सेंस के साथ या कुछ दिमाग लगा के। उस शेफर्ड का जो नेचर होता है वो बहुत फ्रेंडली होता है, पूरे देश में, पूरे स्टेट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो प्रसिद्ध हो जाता है कि वो सबकी हेल्प करता है। तो जो पूरे कंट्री का राजा होता है, फिर वो जो किंग होता है, वो अपना भेष बदल के अपने घोड़े पे उस शेफर्ड के पास चलने की तैयारी कर देता है। और जैसे ही वो किंग अपने हॉर्स के साथ शेफर्ड केव के पास पहुंचता है, तो शेफर्ड देख लेता है कि ये एक आदमी मेरे केज की तरफ आ रहा है। वो उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है और उनको पानी पिलाता है, और पूरी रात वो उसके केव में ही रहता है। उसके पास घर तो नहीं होता, बट एक गुफा होती है जिसमें वो रह रहा होता है। तो वहीं पे वो राजा भी उसके साथ रहता है। वो बहुत थका होता है और सुबह वो सोचता है कि चलो अभी मैं निकलता हूँ। वो जो राजा होता है वो शेफर्ड को कहता है कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैंने बहुत दूर का सफर तय करना है, तो मैं अभी चलता हूँ। तो वो जो शेफर्ड होता है वो सीधा आंखों में देख के राजा के वो कहता है, थैंक यू सो मच मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मतलब बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे पास आप आए। तो किंग भी हैरान हो जाता है कि शेफर्ड को मेरे बारे में पता चल गया, और उसको पता चल जाता है किंग को कि ये जो शेफर्ड है ये बहुत वाइज और बहुत अच्छा इंसान है, दिल का बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है ये। किंग उसको कहता है कि मुझे भी आपके जैसे ही लोगों की जरूरत है। तो वो जाते जाते एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना जाता है। प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा, अगर आपके पास ज्यादा पावर आ जाती है या ज्यादा पैसा आ जाता है तो हम घमंडी हो जाते हैं, मतलब हम किसी की बात नहीं सुनते, हम कहते हैं कि हम ही हम हैं, बस हम में मैं आ जाती है कि मैं ही हूँ, मेरे से सब छोटे हैं। बट दोस्तों, ये जो शेफर्ड होता है ये बहुत प्यारा होता है। वो अभी भी, चाहे वो गवर्नर बन गया, उसके पास सब कुछ होता है, घर भी होता है, पैसा होता है, पूरी पावर होती है, कुछ भी कर सकता है वो, बट फिर भी वो लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। वो सबसे प्यार करता होता है, वो कभी भी गुस्सा नहीं करता, वो सबकी मदद करता है, सबको हेल्प करता है जिसकी भी कोई प्रॉब्लम होती है। इसी कारण से वो सारे कंट्री में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि वो एक गवर्नर होने के बाद भी सबकी हेल्प करता होता है। तो बच्चों, आपको भी पता है, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने लग जाए या आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाओ स्कूल में, तो जो आपके दोस्त होंगे वो आपसे जेलस होना स्टार्ट कर देते होंगे। और ऐसे ही इस कहानी में भी हुआ है कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे, वो उस अकेले शेफर्ड से बहुत ज्यादा जेलस करने लग गए थे। वो बार बार किंग के पास जाते थे और कहते थे कि वो जो शेफर्ड है वो बहुत बड़ा झूठा है, उसके पास एक पोटली है जिसमें वो खजाना है, वो अभी लोगों से, बेचारे गरीब लोगों से टैक्स लेना शुरू कर देता है, वो क्यों अपने पास एक जो पोटली होती है वो हमेशा अपने पास ही रखता है, जरूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कीमती सामान होगा जो उसने लोगों से इकट्ठा करके रखा होगा। पहली बार तो राजा किंग ने वो सभी जो लोग थे उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, मतलब उनको अनसुना कर दिया। बट कब तक वो राजा उन गवर्नर की बातों को अनसुना करता। एक दिन उसको भी कहीं से पता चला कि सची में जो नया गवर्नर है वो अपनी पोटली है जिसमें वो हमेशा अपने पास ही रखता है। उस किंग ने उस गवर्नर को अपने पैलेस में बुलाया। वो गवर्नर अपने कैमल के साथ उनके वहां पहुंचता, प्यार से सभी को नमस्कार करता है और किंग का बहुत आदर करता है। और वो जो पोटली होती है तभी भी उसके पास ही होती है, वो सबको दिख रही होती है। वो जो गुस्से से फिर किंग बोलता है कि इस पोटली में क्या है ऐसा,
और बहुत गुस्सा होता है वो किंग उस पे, गवर्नर पे। वो गवर्नर कहता है कि मैं इसको नहीं दिखा सकता, तो वो कहता है कि चाहे जो हो मुझे दिखाओ कि इस पोटली में है क्या एक्चुअली में। फिर वो बहुत, जब राजा उसके सामने कहता है, फिर वो गवर्नर कहता है ठीक है राजा जी मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि एक्चुअली में इसमें है क्या। वो जैसे ही वो पोटली खोलता है तो उसमें एक बहुत पुराना ब्लैंकेट होता है। वो राजा पूछता है कि तुम्हारे पास तो सब कपड़े हैं, सब नए हैं, वो तुम इसको अपने पास ऐसे सीने से लगा के क्यों रखते हो। वो शेफर्ड कहता है कि ये मेरा सबसे ओल्डेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड है, इसने मेरी हर टाइम साथ दिया है, जब मैं अकेला था सिर्फ यही था जो मेरे साथ था, तो इसीलिए ये हमेशा मेरे पास ही रहता है। वो कहता है कि ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है हर चीज से, किंग से, कि चाहे आप मेरे से, राजा जी आप मेरे से सारे नए कपड़े ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, बट ये मैं आपको कभी नहीं दूंगा। वो किंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करता है, बहुत शर्मा जाता है, और जो सारे जेलेसी गवर्नर होते हैं वो भी अपना सिर झुका लेते हैं और बहुत सॉरी फील करते हैं। तो एंड में क्या होता है, जो वो किंग होता है वो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर घोषित कर देता है।